नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आज के जमाने में दाद की समस्या यानी कि रिंगवर्म की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखा जाता है वो जब भी किसी एक व्यक्ति को होती है तो उस व्यक्ति के परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं धीरे धीरे ये उन सभी को हो जाती है। शुरुआती अवस्था में केवल एक छोटा सा रिंग बनता है जिसमें छोटे छोटे लाल कलर के दाने होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा खुजली चलती है। धीरे धीरे जब ये बीमारी फैलती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है। उसमें धीरे धीरे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाने के कारण पस भी पड़ जाती है, और उसके कारण व्यक्ति को ना तो ठीक से वो उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना सो पाता है, किसी काम करने में कोई मन नहीं लगता और फिर चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। तो ये जो समस्या होती है जिसे सामान्य भाषा में दाद, खाज, खुजली कहा जाता है, ये लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। इसके कारण बहुत ज्यादा व्यक्ति को जलन होने लगती है कभी कभी। खास तौर से ये जो समस्या होती है ये प्राइवेट पार्ट्स के आसपास ज्यादा होती है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। और फिर जब ये पुरुष में और महिला में दोनों में होती है तो फिर घर के छोटे छोटे बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी ये फैल जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि दाद, खाज, खुजली के लिए 100% कारगर इलाज है। होम्योपैथी मेडिसिन का ये जो कॉम्बिनेशन है इसने जितने भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उन सब में 100% रिजल्ट दिए हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको चार दवाएं लेके आना है। पहली मेडिसिन होगी आपकी टेल्यूरियम मेटालिकम। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जबकि किसी व्यक्ति को दाद, खाज और खुजली की शिकायत होती है, रिंग पड़ जाती है, गोल गोल घेरे पड़ जाते हैं, उन घेरों में लाल कलर के दाने उभरने लगते हैं, उनमें खुजली होती है, जलन पड़ती है, बहुत ज्यादा तेज खुजा लेने पे खून निकलने लगता है, तो इन सभी सिम्टम्स पे टेल्यूरियम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पे आपको लेके आना है लिथियम कार्ब। ये भी रिंग वर्म के लिए लगभग लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है और 100% रिजल्ट ये देती है। तीसरी मेडिसिन होगी आपकी बेसिलिनम। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, और उन्हीं में से रिंग वर्म भी एक बीमारी है, यानी कि दाद, खाज, खुजली भी एक बीमारी है जिसपे कि बेसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है। और आखिर में चौथे नंबर पे आपको जो दवा लेके आना है वो है एक प्रोडक्ट, रैगबैक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, R82 करके आता है। ये एक तरह का एंटी फंगल ड्रॉप होता है जो आपको लेके आना है। अब यदि हम सबसे पहले जो पहली तीन मेडिसिन है उनकी पोटेंसी की बात करते हैं तो टेल्यूरियम मेटालिकम तो लेके आना है आपको 30 पोटेंसी में, लिथियम कार्ब लेके आना है आपको 200 पोटेंसी में, और बेसिलिनम लेके आना है आपको 1 M पोटेंसी में। टेल्यूरियम मेटालिकम के डोज की यदि हम बात करते हैं तो 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में और 4 बूंद शाम को, कंटिन्यू 1 महीने पीना है। लिथियम कार्ब की 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, कंटिन्यू 1 महीने तक पीना है। और बेसिलिनम की 1 M पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार पीना है। इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों कि बेसिलिनम की 1 M पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार पीना है। और इस तरह आपको 1 महीने में लगभग 4-5 हफ्ते होते हैं तो 4-5 डोज आपके केवल बेसिलिनम के होंगे। तो इस तरह से आपको इन तीन दवाओं का यूज करना है। ये तीनों दवाएं खाली पेट लेना है। पहली जो दो दवाएं हैं टेल्यूरियम और लिथियम का, इन दोनों के बीच में कम से कम 10 मिनट का अंतर जरूर रखें। जैसे कि आपने पहले टेल्यूरियम ले ली, उसके 5-10 मिनट रुक के फिर लिथियम कार्ब की 2 बूंद जीभ पे रख ली, इस तरह से आपको इसको पीना है। दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके साथ में बेसिलिनम को भी ऐसे ही करना है, सीधे जीभ पे इसकी 4 बूंद रख लेना है 1 M पोटेंसी की, हफ्ते में केवल एक बार, संडे टू संडे रख लीजिए, हर रविवार को 4 बूंद उसकी पी ली। अब ये जो R82 बचती है यानी कि रैगबैक का जो प्रोडक्ट है उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पीना है। पानी आप चाहें कैसा भी ले सकते हैं, ठंडा हो, गुनगुना हो, गर्म हो, कैसा भी, जैसा आपको उचित लगे वैसा पानी आप ले सकते हैं। आधा कप या 1 कप सफिशियंट रहता है, किसी को ज्यादा लगता है तो ज्यादा भी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चारों दवाएं हैं ये कंटिन्यू आपको 1 महीने यूज करनी है। 1 महीने में आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं है
कि 10 साल पुरानी बीमारी आपकी एक बार में ठीक हो जाएगी, लेकिन एक महीने में आपको इससे लगभग 30-40% अंतर समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों को अभी नई नई शुरुआत है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने हुए हैं, उन लोगों की पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनको बहुत लंबी समस्या है, 4 साल से है, 5 साल से है, तरह तरह की एलोपैथी दवाइयां उन्होंने करा ली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक है, जब तक ट्यूब लगा ली तब तक ठीक है, उन लोगों को समय लगेगा। तो उन लोगों को हो सकता है कि 2-3 महीने ये दवाएं खाना पड़े। तो 2-3 महीने डोज इसके ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं। कंटिन्यू जब आप इसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर से ये जो रिंगवर्म है, ये जो दाद खाज खुजली है, ये खत्म हो जाएगी। खुजली आपको उस हिस्से में तब तक चलेगी जब तक कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इसलिए खुजली के लिए ये ना सोचें कि अभी तक खुजली तो चली रही है, दवा खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी नहीं, दवा खाएंगे फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर से जब वो दाद खाज खुजली खत्म होगी तो खुजली की जो इंटेंसिटी यानी कि उसकी जो तीव्रता है वो भी धीरे धीरे उसकी कम होने लगेगी। 100% क्लिनिकल प्रूवन फॉर्मूला है जिसका यूज आप लोग करें और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो दवाएं हैं ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, तो आप इनका यूज करना शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुँह में किसी भी चीज़ की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज़ का स्वाद या किसी भी चीज़ की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नज़दीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।